अकाल रूप एक बाबा, अकाल रूप दूजार बाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप।
सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी जिन कल राखे मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जान माया मद माता मरना चीत न आवे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे भूल न जान माया मद माता मरना चीत न आवे भूल न जान जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल
कल रखी मेरी, दिन कल रखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल रखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल रखी मेरी। जिन कल रखी मेरी, जिन कल रखी मेरी, जिन कल रखी मेरी, जिन कल रखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल रखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल रखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। आइन सुख फल पाइन आठ पहर आराधे, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा, तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। नाम ते आइन सुख फल पाइन आठ पहर आराधे, नाम ते आइन सुख फल पाइन आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले सादे, तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले सादे, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी,
सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ऐसा महान गुरु जिस पातशाह का आगम दिहाड़ा मना रहे हैं, प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने गल आखी, सिख धर्म के ये महान विद्वान जिन्होंने सिख इतिहास दी कई किताबां लिखियां, वो लिखते अपनी किताब विच कहन लगे, एक दिन मेरी माँ कहती है, मेरी वो भैनों गौर ना सुनियो, शायद तुहाडे काम आ जाए गल। प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहिंदा कि एक दिन माँ मेरी कहिंदी है मैनूं, कहिंदी पुत्रा मेरा मन करदा है गल विच ढोल पा के ते गलियां ते बाजारां दे विच होका दिंदी फिरा, ते मुख दे विचों ये गल आखां, गुरु नानक तो वड्डा कोई नहीं जे लुको। भावना ते आपो अपनी है ना, तकण दा नजरिए आपो अपना है। गुरु नानक नूं नजर नजरिया तकण दा मरदाने दा अपना है। भैन नानकी का नजरिया अपना है, तो राय बुलार का अपना है। जिस भावना तकिया ऐसिया बख्शा गुरु नानक ने झोली विच पा दित्तियां। कह लगी पुत मेरे मन विच ये विचार आउंदी है, गल च ढोलकी पा के गलियां ते बाजारां दे विच महल्लां विच तुरी फिरां, ते ये गल आखां, गुरु नानक तो वड्डा कोई नहीं जे लोको। किन्नी भावना होवेगी, किन्नी मन शरदा होवेगी।
ऐसे महान गुरु का आपां आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं, जिस गुरु ने दुनिया के दुख मिटाण वास्ते अपने सुखों का त्याग कर दिता। अज साधन बड़े, उदो साधन कोई नहीं सी। पहले बाबा बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घोल घुमाई, भारी करी तपस्या, बड़े पाग हरस्यों बनाई। बाबा पहिंदा सचखंड, सिखी दी निशानी सिख नूं समझाई। नौ निद नाम गरीबी पाई, जिथे है ना सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, उथे निम्रता दी हद भी दिखाई। ते फिर अखीर विच कहिंदे ने, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। दुनिया का सुधार करन वास्ते गुरु नानक पातशाह घर तों तुरे सी। ਪੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਵਾਰ ਨਹਾਰਾ, ਦੁਖਨ ਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਚਵਰ ਤੱਕ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਲੀਕੇ।
अकाल पुरख धरती की फरियाद नूं सुन के फिर पुछदे ने तेरे उत्ते बने हुए वड्डे वड्डे पहाड़ां दा तैनूं भार लगदा होणा है, थोड़ा हुलारा दे दिया इन्हां पहाड़ां दा आकार छोटा कर दिया, या तेरे उत्ते वसदे हुए बड़े बड़े वड्डे शहरां दा कस्बियां ते पिंडां दा भार लगदा होणा है, पचाल दिया दिया या 84 लाख जोन दे लोकां दा कुछ भार लगदा होना है, जां फली होई ते फुली होई बनस्पति दा भार लगदा होना है, जिहड़ी चीज़ दा तैनू भार लगदा है ओह भार घट कर देने। भाई साहब कहिंदे धरती अकाल पुरख दी दरगाह च फरियाद करदिआं होइआं कहिंदी ना तिस भारे परबतां आसमान खहंदे, हे अकाल पुरख वाहिगुरू मेरे उत्ते बने हुए उन्हां पहाड़ां दा मैनूं रता जिन्ना भी भार महसूस नहीं हुंदा, जिन्हां दीआं चोटियां आसमान नूं छूंदियां ने, ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दसंदे। हे अकाल पुरख वाहिगुरू मेरे उत्ते बने हुए वड्डे वड्डे किले, वड्डे वड्डे शहर, वड्डे वड्डे कस्बे, पिंड, इन्हां दा भी मैनूं रता जिन्ना भार महसूस नहीं हुंदा, ना तिस भारे सायरां नद वाह वहांदे, नदियां नालियां समुंदरां दे वहिंदे वेग, पानी दा मैनूं कोई रता जिन्ना भार नहीं, कोई दुख नहीं, वो अपनी मर्यादा विच चलदे ने, ना तिस भारे तरवरां फल सफल फलंदे, बनस्पति जिन्नी भी फली ते फुली होई है इहदा भी मैनूं रता जिन्ना भार महसूस नहीं हुंदा, ना तिस भारे जिया जनत अगणत फरंदे, 84 लाख जोन दे जीवां दा भी मैनूं रता जिन्ना भार महसूस नहीं हुंदा। हाय रब्बा हुण किहड़ी चीज़ ऐसी है जिहड़ी धरती तों सहारे नहीं जांदी, जिहदा भार झल्लिया नहीं जांदा, ना वड्डे वड्डे पहाड़ां दा कोई दुख है, ना वड्डे वड्डे शहरां दा कोई दुख है, ना नदियां नालियां समुंदरां सागरां दरियावां दे वहिंदे पानी दा कोई दुख है, ना फली फुली हुई बनस्पति दा कोई दुख है, ना 84 लाख जीव जोनां दा कोई 84 लाख जोनां दे जीवां दा कोई भार है, तो फिर वह किहड़ी चीज़ का इन्ना भार है जिहड़ा धरती कोलों सहारिया नहीं जांदा। अगली पंक्ति विच भाई साहब दसदे ने भारे भूई अकिरत कण मंदी हो मंदे, हे अकाल पुरख एक भी अकिरत कण का भार मेरे वास्ते चलना बड़ा औखा है। अकिरत कण छोटे लफजां विच उहनूं आख्या जांदा है जिहड़ा किसी के किते हुए पर उपकार नूं याद ना रखे वसार देवे। अकाल पुरख ने किड्डी वड्डी मनुख उत्ते बख्शिश की है, 84 लाख जोनां दा सर्वोत्तम जामा मनुख नूं बख्शिया है, ते जिस अकाल पुरख ने मनुख नूं ये एडा सर्वोत्तम जामा बख्शिया है उहदे किते हुए पर उपकार नूं वसारदे होइआं इंसान दे हत्थों इंसान दुखी हो जाए तो इदों वड्डा किरत कण होर कौन हो सकदा है। अकाल पुरख वाहिगुरु इत्थे ते सारे ही लोग किरत कण हो गए, इस करके इन्हां किरत कणां दा भार झलना मेरे वास्ते बड़ा औखा है। कोई ऐसा रहिबर भेज दिओ जिहड़ा इन्हां किरत कण होए लोकां नूं फिर सीधे रस्ते ते लियाउण दी समर्था रखदा होए। एक होर शर्त धरती ने लाई अकाल पुरख दे सामने, ज्ञानी सोहन सिंह जी शीतल लिखते ने, वह कहिंदे ने शीतल मैं नहीं गा विश हुण विछणा किसी भुलेखे ते, मानस देही होवे जोत होवे निरंकार दी। प्रातन धर्म ग्रंथ पढ़ के वेखो संसार दे लोक मश कश संसार वर्गे जीवां नूं अवतार मन के पूजा करिया करदे सन, अज भी कोई भुलेखा नहीं, दुनिया का एक हिस्सा कबूतर की पूजा करता है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग ने जिहड़े गां की पूजा करते हैं, दुनिया अंदर कोई एक ऐसा धर्म है जिहड़ा सूर की पूजा करता है, साध संगत अज भी लोग वेखण नूं मिलते हैं पिपलां नूं पीर मनते हैं, देवते मन के पूजा करिया करते हैं, अज भी संसार विच उन्हां लोकां दी थुड़ नहीं जिहड़े सप्पां नूं रब मन के पूजा करी जाते, सप्पां की पूजा करी जाते अवतार मन के,
पर धरती कहिंदी हे अकाल पुरख वाहिगुरु इस वार मैं इस तरह के किसी भुलेखे उत्ते इतबार नहीं करांगी। इस वार जे कोई रहबर आना है तो सचमुच तुसी आप होवो, तुहाडी जोत होवे ते जामा इंसान दा होवे। शीतल मैं नहीं गा हुण विछणा किसी भुलेखे ते, मानस देही होवे जोत होवे करतार दी। धरती दी कीती होई फरियाद उस अकाल पुरख दी दरगाह उत्ते प्रवान होई। मेरे साहब पावन बाणी अंदर फरमाउंदे ने बिरथी कदे ना होव ई, कदे भी अकाल पुरख दे दर उत्ते कीती होई अरदास बिरथी नहीं जांदी। पर इस पंक्ति दे अद्धे हिस्से तो अगले हिस्से विच मेरे गरीब नवाज सतगुरु पातशाह महाराज ने एक शर्त लाई। साहब कहिंदे ने बिरथी कदे ना होव ई, अगे दसदे ने जन की अरदास, जन बन के अरदास कीती जाए। अरदास करन तो पहला उहदा जन बनना पैंदा, उहदा सेवक बनना पैंदा, उहदी मर्यादा नूं मनना पैंदा, उहदे डिसिपलिन विच बझना पैंदा। जेकर उहदी मर्यादा नूं मन के अकाल पुरख दे निजम विच रह के अरदास कीती जाए, उहदा सेवक बन के, उहदा जन बन के, ते फिर अरदास पूर्ण होया करदी। बिरथी कदे ना होव ई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। साध संगत एक होर बेनती है, केवल धरती ने फरियाद नहीं कीती, पापियां दे हथों सताए हुए, जालमां दे हथों सताए हुए मजलूमां ने भी अकाल पुरख की दरगाह अंदर पकारां कीतियां। उन्हां समय अंदर मनु ऋषि ने अपनी सिमरती अनुसार संसार दे लोकां नूं चार हिस्सों विच वंडिया होया सी। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖ ਕੇ ਅਸ਼ੂਤ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੜਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੈਣਾ ਅਤੇ ਛੈਣੀ ਅਤੇ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੁਕੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੈ।
उस निकी निकी पैंदी बरसात विच इक कबूतरां दा जोड़ा सारी रात भिजदा है किसे दरख्त उत्ते बैठा होया। दिन चढ़िया ते चढ़े दिन दे नाल सूरज साफ होया, साफ आसमान साफ होया, साफ आसमान विचों सूरज ने अपनियां निघियां किरणां धरती वाले छड़ियां। इन्हां सूरज दियां किरणां दा निघ मानण वास्ते उह ही कबूतरां दा जोड़ा इक दरख्त उत्ते बैठा है। एक शिकारी शिकार खेडन वास्ते अपने घरों तैयार होके निकलिया। उन्हें मोढ़े उत्ते तीरां दा पत्था पाया, तीर कमान संभालिया, शिकार लभदा होया तुरिया फिरदा है। लभदिया लभदिया उस दरख्त उत्ते थले आया जिस दरख्त उत्ते पंछी बैठे हुए सन। उन्हें वेख्या एक लाइन विच बैठे ने, जे एक तीर छड़दिया इन्हां दोवां नूं मार लवांगा, जदों दोवें मारे जाणगे इन्हां नूं भुन के मैं खा लवांगा, मेरी पेट प्रस्ती होएगी। आसमान विच एक बाज उड़दा है ते उड़दे हुए बाज की नज़र भी उन्हां पंछियों उत्ते पई। उह बाज भी सोचता है जे इको झपट मारा इन्हां दोवां नूं मारांगा, खा लवांगा, मेरी पेट प्रस्ती हो जाएगी। शिकारी शिकार नूं मारन लई तीर सीध के धरती उत्ते खलोता है। आसमान विच उड़दा होया बाज झपट मारन वास्ते तैयारी कर रहा है ते साखीकार इन्हां दोवां पंछियां नूं कबूतरां नूं संबोधन करके एक गल कहिंदा है। वह कहिंदा उड़ जान की बात सजान कहो नर काट कमान की ओ सर रे। उड़ जाण वाले वह पंछी हो, मैं तुहानूं एक गल पुछनी चाहुंदा हां कि तुहानूं मारन वास्ते शिकारी ने निशाना बन के तुहाडे वल्ले तीर दा ध्यान सिध्या होया। एक होर भी मुश्किल है, तेरे उपर उपर बाज उड़े अब कौन सहाई बिन हारे। आसमान विच एक बाज उड़दा है ते वह भी तुहानूं मारन वास्ते झपट मारन लई तैयार है, तुहानूं खाण लई। जे बाज झपट मारदा तुसीं तां वी मरदे हो, जे शिकारी तीर मारदा तुसीं तां वी मरदे हो। दसो तुहाडा अकाल पुरख तों बिना कोई सहाई है? साखीकार कहिंदा फिर इन्हां पंछियां ने रब दा आसरा लिया ते अरदास कीती, परमात्मा असां अपनी जिंदगी अंदर कदे कोई गुनाह नहीं कीता, जे ते डिग्गा ढट्ठा दाणा कोई मिलदा है ते चुण के पेट भर लैंदे आ, नहीं ते रोड़ा कंकर खा के गुजारा करदे। कदे कोई गुनाह नहीं कीता ते अज बेगुनाहां नूं मारन वास्ते दो जमदूत आ गए। हे अकाल पुरख वाहिगुरु साडी रक्षा करो। जे साडी अज रक्षा ना कीती, साडा विश्वास तुहाडे तों उठ जाएगा। असीं आखांगे तुहाडी अदालत दा ते दुनियावी अदालत दा फर्क ही कोई नहीं। इन्हां पंछियां दी कीती होई अरदास रब दे घर विच प्रवान होई ते फिर भाणा की वापरिया। हेरी के पाऊं पचंग डस्यो, छुटबाज के बाण लगो फर रे। समझाए रहे कपटी मन को, जिन नाम जप्यो तिन क्या डर रे। साध संगत साखीकार कहिंदा जिथे शिकारी खड़ा सी ना, उथे अचानक एक सप निकलिया। सप ने शिकारी दे पैर उत्ते डंग मारिया, डंग दी ताब नूं ना सहारदा होया शिकारी डिगण लगा। जदों मरदा होया डिगदा है ते जिहड़ा तीर उहने सिद्धा जानवरां वाले कीता होया सी हत्थों छुट गया, निशाने थोड़ा खुंझ गया, कमान विचों निकल गया। पंछियां दे निशाने खुंझ के असमान विच उड़दे बाज दे फरां विच जा लगा ते फट 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 करदा बाज धरती उत्ते आण डिगा। शिकारी सप दे डंग मारन करके मर गया, बाज शिकारी दा तीर वजण करके मर गया। पर परमात्मा ने इन्हां दोवां पंछियां दी जानवरां दी अरदास दी लाज रख ली। समझाए रहे कपटी मन को, जिन नाम जप्यो तिन क्या डर रे। मेरे साहब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज की पवित्र गुरबाणी अंदर धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज फरमाउंदे ने, यां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। ये है अरदास दी शक्ति। सत्कारयोग साध संगत जिथे धरती फरियाद कर दी, जिथे धर्मां मजमां दे वंड विच आया होया शूद्र अकाल पुरख की दरगाह उत्ते अरदास कर दे, उत्थे संसार का अद्धा हिस्सा जगत की जननी इस्त्री दे हालात ही उन्हां समय अंदर बड़े पतले सन। इतिहास पढ़ के वेखो, किसी रहबर ने इस्त्री नूं कुछ आख्या है, किसी ने कुछ आख्या है, किसी ने कुछ आख्या है। केवल दुनिया उत्ते इको एक रहबर आया जिसने इस्त्री जाति दे हक विच हा दा नारा मार के दुनिया दे लोकां नूं संबोधन करके आख्या, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान।
कोई कहिंदा इस्त्री ते शूदर नूं कुटदे रहना चाहिए, कोई कहिंदा इस्त्री की गुत पिछे मत होया करदी, कोई कहिंदा जिहड़ा रब है रब दे कोलो एक गलती होई है, रब दे ते आदमी दे मिलाप विच इस्त्री एक बड़ा वड्डा अरोड़ा है राह विच। किसी ने कुछ आख्या, किसी ने कुछ आख्या, किसी ने आख्या केवल मन परचावे का साधन है, तो किसी ने इत्थों तक भी कह दिता है केवल बच्चे जन्म का एक साधन ही है। केवल गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने हा दा नारा मार के आख्या सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। ते जिस इस्त्री जात की ए एडी हालात पतली होगी, सत्कार योग साध संगत की वह अकाल पुरख के दर उत्ते कदे फरियाद नहीं करती होगी। अज भी केवल तो केवल एक सिख धर्म है जिदे इस्त्री गरीब नूं आज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज की हजूरी अंदर संगत दे विच आके बैठ सकती है। बहुते धर्मां अंदर इस्त्री अजे भी धर्म स्थानां ते नहीं जा सकती। मेरे गरीब नूं आज सतगुरु पातशाह महाराज के दर उत्ते इस्त्रियों की भी कीती हुई अरदास प्रवान हुई। एक होर अरदास बड़ी महानता रखती है, सत्कारयोग साध संगत राय भोए नाम दे एक आदमी ने लाहौर के नेड़े एक पिंड वसाया जिहदा नाँ है तलवंडी, जिसनों राय भोए की तलवंडी के नाँ नाल याद किया जाता है। इस परिवार ने थोड़ा ही समा होया सी अजे मुसलमान धर्म धारण किया, लगभग 20 पिंडां दी जागीर इसनों इनाम वजो मिली सी। इसका पुत्र राय बलार जिसका मुख्तियारे आजम है बाबा मेहता कल्याण दास जी, तो सत्कारयोग साध संगत पटवारी की ड्यूटी करते ने, जिन्ह के घर अंदर एक बेटी के रूप अंदर संतान है, बेटी के रूप अंदर जिसका जन्म नानके पिंड होने करके वक्त के रिवाज अनुसार उसका नाम बीबी नानकी रखा गया। बाबा मेहता कल्याण दास ते माता तृप्ता जी दे घर विच भावें बेटी दे रूप अंदर संतान सी, पर प्रार्थना धर्म ग्रंथ पढ़ के वेखिए ना, ते साध संगत इस्त्री वास्ते अपनी कुख विचों पुत्र पैदा करना बड़ा जरूरी है। जिन्ना चिर तक इस्त्री पुत्र पैदा नहीं करती उन्ना चिर तक मुक्ति नहीं मिलती, प्रार्थना धर्म ग्रंथ यह गल कहिंदे। ते बेशक संतान लड़की दे रूप विच होवे, जिन्ना चिर तक घर विच लड़का ना होवे उन्ना चिर तक प्यो दी जायदाद दा वारस बेटी धी नहीं सी बन सकदी उन्ना समय अंदर, इस करके पुत्र होना बड़ा जरूरी सी। 5 साल दी बेबे नानकी दी उम्र हो चुकी है। बेबे नानकी जदों अपनियां सहेलियां दे नाल खेडण वास्ते जांदी है, निक्के निक्कियां सहेलियां अपने निक्के निक्के वीर लै के खेडण वास्ते आउंदियां ने, तो बेबे नानकी दे दिल विच चाह पैदा हुंदा है मैं भी इन्हां दे वीरां नाल खेड लवां। जदों अपने वीर उन्हां दे वीरां नूं खेडण वास्ते मंगदी है, निक्कियां निक्कियां कुड़ियां निक्के निक्के हत्थां नाल नानकी दे हत्थ परां तक के कहिंदियां साडी मां ने आख्या सी नानकी नूं रब ने वीर नहीं दिता, इस करके अपना वीर उहनूं नहीं खड़ाउणा, खेडण लई नहीं देना। सत्कारयोग साध संगत मेरियां भैणां नूं पता है, अज वी भैणां इन्हां वहिमां विच पईआं होईआं, रब ना करे किसे दे घर विच बच्चा पैदा हो के संसार तो तुर जाए, तो सारी उम्र उस भैण नूं उह सत्कार समाज विच मेरियां भैणां नहीं दिंदियां जिहड़ा देना चाहिए। कोई शगन दा काम करना होवे, कोई शुभ काम जिहनूं इस मन दियां हुण करना होवे तो उहनूं पिछे कर लैंदियां, इहदा बच्चा तुर गया सी इहनूं इस काम वास्ते नहीं लाउणा। सत्कारयोग साध संगत जे किसी धी भैण का कोई पति संसार तो तुर जाए, विधवा हो जाए, तो कोई शगन का काम करना होवे उदों भी मेरिया भैणां वा विधवा बच्चे विधवा भैण नूं पिछे रखदियां, तो आप शगन वह अगे होके कर दियां। ये साढ़े अज भी विचार प्रचलित ने, पर मेरे साहब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज पावन बाणी अंदर फरमाउंदे ने शगन अप शगन तिसको लागै जिस चीत ना आवे। सत्कारयोग साध संगत बेबे नानकी घर आउंदी है, माता तृप्ता जी दियां निक्कियां निक्कियां अपनियां बाहवां निक्कियां निक्कियां माता तृप्ता जी दे गले विच पा के गोद विच बह के फिर निक्के निक्के सवाल करके पुछदी है, माता जी मेरा वीरा कित्थे खेड़दा है, मेरा भी दिल करदा मैं अपना वीर नाल लैके खेडण लई जावां, मेरियां सहेलियां अपना वीर मैनूं खेडण नूं नहीं दिंदियां, जे परमात्मा मैनूं मेरा वीर दे देवे ना ते मैं अपना वीर सारियां दे नाल खेडण वास्ते सारियां नूं दे दिया करां।
माता तृप्ता जी इस बालड़ी दीयां गल्लां नूं सुण के हौसला दे के आख्या करदी, धीए अकाल पुरख कृपा करेगा तैनू भी रब वीर देवेगा, परमात्मा दे चरणां विच अरदास करिया कर। छोटी जी नानकी कई बार कपड़े दा बना के सत्कारयोग साध संगत बच्चा मोढे नाल ला के आख्या करदी, रब ने मैनू भी वीर दिता है। ते जदों नानकी इस तरह दीयां खेडां खेडिया करदी ते माता तृप्ता जी दा हर साह पुत्र दी तांग विच दौड़ उठदा, फिर वो अकाल पुरख के चरणों में जुड़ के अरदास करिया करदे। माता तृप्ता जी जिवें उस अकाल पुरख के चरणों में पुत्र की प्राप्ति वास्ते अरदासां ते बेनतियां करदे ने, ਢੰਡ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਰਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੈ ਦਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੌ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਦਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੌ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੋ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਗ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਹੜੇ ਚ, ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਗ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਹੜੇ ਚ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾ ਕੇ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰਾਂ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾ ਕੇ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰਾਂ। ਓ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐ ਖਾਲੀ ਐ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐ। ਸੋਭਾ ਪੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸੁੰਦਰ ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਂ, ਸੋਭਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸੁੰਦਰ ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਂ। ਹੋ ਚੁੱਕੀਏ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੇ ਠੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਐ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ, ਚੁੱਕੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਚੁੱਕੀਏ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੇ ਠੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਐ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਚੁੱਕੀਏ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੇ ਠੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਨਕੀ, ਕਰਦੀ ਵੀਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਨਕੀ, ਕਰਦੀ ਵੀਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਨਕੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਰੀਜ ਪੂਰੀ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਿਓ ਰੀਜ ਪੂਰੀ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਰੀਝ ਬੜੀ ਐ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀਰ ਖਡਾਵਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਝ ਬੜੀ ਐ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀਰ ਖਡਾਵਣ ਦੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐ ਖਾਲੀ ਐ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ
पुत्रां तो खाली है। सोभा पुण कदे ना होण सुंदर चाहे नारा, सोभा पुण कदे ना होण सुंदर चाहे नारा। भई होके एक मन ते अरजोई कीती माता ने, माता ने होके एक मन ते अरजोई कीती माता ने। लिखिया सो समझ के हरपाल सिंह ने वारा, लिखिया सोच समझ के हरपाल सिंह ने वारा, लिखिया सोच समझ हरपाल सिंह ने वारा। पुत्तां वाले ओ जग ते पुत मेवा हुंदे मापिआं दी जिंद जान पुत्र, पुत्र परां ते उड़दी फिरे दुनिया, मापे बुत ते विच प्राण पुत्र। जिउंदे जी सहारा ने जिंदगी दा, मोया ज्ञान दे पिछों निशान पुत्र। शीतल पुत्रां बाज ना सोण मापे हुंदे मापिआं दी आन शान पुत्र। विद्वान लिखदा है जिन्हां दे घर विच पुत्र ना होवे ते संतान दी प्राप्ति वास्ते उन्हां नूं फिर की कुछ करना पैंदा है। तीर्थ तीर्थ खैर मंगावे, मड़ियां ते गुगे पजवावे, अनहोईयां गल्लां करवावे, शिवियां उत्ते मास रनावे, खूहां दे विच जाल पवावे। पुत्र जेड़ ना वस्त प्यारी, जिस दी भुखी दुनिया सारी, मावां भावें होवन परियां, नाल हुसन दे डक डक भरियां, शाही करी व्याहियां वरियां, पैनन पट हंडावन जरियां, पूरा कदे शंगार ना होवे जे गोदी विच बाल ना होवे। पुत्र जिहा ना मेवा डिठा, ज्यों ज्यों कच्चा त्यों त्यों मिठा। साध संगत मनुखता एक ऐसा मेवा है, ये जिन्ना कच्चा होवे उन्ना मिठा लगता है, ते जिन्ना पक जाए उन्ना बेरस हो जाया करदे। कुदरत दे बनाए हुए जिन्ने भी मेवे ने सत्कारयोग साध संगत तो ज्यों ज्यों पकते ने त्यों त्यों मिठे होया करते ने, त्यों त्यों उन्हां विच रस बनिया करदे। नहीं तो जदों कच्चे होण कुछ इन्ने कटड़े हुंदे ने, चबाए नहीं जाते, कुछ इन्ने खट्टे हुंदे ने, उन्हां दा स्वाद नहीं चख्या जाता, कुछ कौड़े हुंदे ने, पर ज्यों ज्यों पकते जाते ने त्यों त्यों रसदार बनिया करते ने। मनुखता एक ऐसा जी मेवा है, ये जिन्ना कच्चा होवे उन्ना मिठा लगता है। बच्चा जो गोद विच खेड़दा होवे बड़ा प्यारा लगता है, सारे उन्हूं प्यार करते हैं। ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा जांदा है, ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा जांदा है, त्यों त्यों फिर बुढ़ापे विच आ जांदा है, जिन्हूं आपां पक्का मेवा आखदे हां। वेखण नूं बजुर्गां नूं पक्का मेवा आखिया जांदा है, पर विचारा पक्का मेवा बेरस हो जाया करदा है, उह घर वालियां नूं वी चंगा नहीं लगदा। कई वार बजुर्गां दी वांडी पै जांदी, दो तीन पुत्र होण ते फिर वारी बन लैंदे भी महीना महीना बुढ़े नूं मैं रखूं, ते महीना दूजा रखे, महीना तीजा रखे, ते गल कई वारी महीने ते भी निबड़दी, कत्तियां ते तीहां दिनां दा झगड़ा भी कई कर लैंदे, ते जदों फरवरी दा महीना ठाईयां दा ते अगों मार्च कत्तियां दा आ जाए, उदों भी लड़ाई पै जांदी भी तीन दिन बुढ़ा मेरे वल्ले वध रिहा है। इस करके मैं बेनती कर रहा है भी मनुखता किस तरह का मेवा है, ज्यों ज्यों पक जांदा है त्यों त्यों बेरस हुंदा है। विद्वान कहिंदा है पुत्र जिहा ना मेवा डिठा, ज्यों ज्यों कच्चा त्यों त्यों मिठा, मियां बीवी पवे रसेवां ए विच पै के करे मनेवा। पुत्र एक ऐसी चीज हुंदे जे कितें दोवां जीआं दा आपो विच अणबण हो जाए ना थोड़ी बाली, कोई रसेवां हो जाए, तो फिर बच्चा सुलह कराउण वाला बड़ा वड्डा साधन बन जाया करदे। कई बारी गल जिद ते आ जांदी है, सुआणी कहिंदी भी जदों भी रुसदा इहनूं मैं ही हर वारी मनाउनी आ भी खा ला रोटी, अज ना खाएगा कल फिर खानी है, मैं तरले करदी खा ला, इह सगों वेर के थाली परां धक के कहिंदा मैं नहीं खानी, ते इस वार फिर मैं भी नहीं मनाउणा, वेखी जो किन्ने क दिन इह भुखा रहिंदा। ते साध संगत एक दो दिन जे रसेवां रहि वी जाए ते घर विच छोटा जिहा बच्चा होवे, सुआणी इन्नी गल ही मुस्कुरा के कह देवे भी तुहाडा झगड़ा ते मेरे नाल, रुसे ते मेरे नाल, आ पप्पू रोण रिहा विचारा, चुक लो दो मिनट, ते गल ते इन्नी की है ना, कमाउण दा ही बहाना है ना,
जो कमाने का बहाना मिल गया तो फिर वो त्याग सोचन दिया भी दो तीन दिन लंघ गए कोई साधन बन जाए। विद्वान बड़ी सुंदर गल लिखता है, वह कहिंदा मियाँ बीवी पवे रसेवा ए विच पै के करे मनेवा झंब सुटे जे कम लेवा ए छाती लग लाहे थकेवा। ऐसी चीज होया करते ने पुत्र। माता तृप्ता जी की अरदास उस अकाल पुरख की दरगाह प्रवान हुंदी, धरती की फरियाद उस अकाल पुरख की दरगाह से मंजूर हुंदी। जालमां दे सताए हुए मजलूम लोगों की हाहाकार, सत्कार योग साध संगत जाने लोग आख्या करते ने खलकत की आवाज खालक की दरगाह नग वजन वाला नगारा बनिया करती। जदों मजलूमां दियां आहां अकाल पुरख की दरगाह उत्ते पुजियां फिर अकाल पुरख मजबूर होकर सोचता है हुण किहो जिहा रहिबर संसार विच भेजिया जाए, किहदी ड्यूटी ला के संसार उत्ते तोरिया जाए। जिहड़ा इस वेले धर्मां ते मजहबां विच वंडे होए लोकां नूं प्यार करन दी जाच सिखा सकदा होवे, जिहड़ा राह तों खुंझे होए लोकां नूं सीधे रस्ते उत्ते लिया सकदा होवे, जिहड़ा रब नालों टुटे हुए लोगों रब नाल फिर जोड़ सकता हो, जिहड़ा पराया हक खाण वाले उत्तों उत्तों बने हुए सज्जणा नूं विच्चों बने हुए जालमां नूं सही सज्जण बनाउण दी समर्था रखता होवे, उह किहो जिहा आगू होवे जिहड़ा संसार उत्ते भेजिया जाए। अकाल पुरख जिवें विचार करदे ने माता तृप्ता जी की अरदास नूं विचार बेनती नूं सुण के उस वक्त का नक्शा ਟੰਡ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਨੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਹੈ ਸੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ बेनती कर तार विचारे, आगू ऐसा भेजिए जग सड़दा ठारे, आगू ऐसा भेजिए जग सड़दा ठारे। सुन त्रिपता दी बेनती कर तार विचारे, आगू ऐसा भेजिए जग सड़दा ठारे, आगू ऐसा भेजिए जग सड़दा ठारे। आगू ऐसा भेजिए जग सड़दा ठारे, पापा दबी धरत दे जो पार उतारे, पापा दबी धरत दे जो पार उतारे। पापा दबी धरत ते जो पार उतारे, रस्ता दसे सच दा छड कूड़ पसारे, रस्ता दसे सच दा छड कूड़ पसारे। रस्ता दसे सच दा छड कूड़ पसारे, धर्म एक निरंकार दा जग विच प्रचारे, धर्म एक निरंकार दा जग विच प्रचारे। धर्म एक निरंकार दा जग विच प्रचारे, हिंदू मुसलमान मान नू इको जिहा प्यारे, हिंदू मुसलमान नू इको जिहा प्यारे। हिंदू मुसलमान नू इक जिहा प्यारे, चुकन जी दी दर गाते आ कुंटा चारे, चुकन जी दी दर गाते आ कुंटा चारे। चुकन जी दी दरगाह ते आ कुंटा चारे, होवे सच्चा भगत जो डुब्बियां नूं तारे,
होवे सच्चा भगत जो डुब्या नू तारे चुकन जी दी दरगाह ते आ कुंटा चारे होवे सच्चा भगत जो डुब्या नू तारे होवे सच्चा भगत जो डुब्या नू तारे अकाल पुरख सोचते ने किहो जिहा रहिबर किहो जिहा आगू संसार विच भेजिया जाए जिहड़ा सब दा सांझा होवे जिहड़ा मुसलमान ते हिंदुआं दा सांझा होवे। गुरु नानक वर्गा रहिबर संसार ते कोई होर नहीं आया जिहनूं मुसलमान अपना पीर मनदा हिंदू अपना पीर मनदा सिख अपना गुरु मनदा। सत्कारयोग साध संगत मेरे गरीब नूं आज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज की पवित्र गुरबाणी अंदर है श्रोमणी भगत बाबा कबीर जी का उच्चारण किया होया पावन महावाक है सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए किहो जिहा कबीर जिह दर आवत जात्यों हटके नाहीं कोए जिस दर उत्ते आउण लग्या कदे किसे नूं कोई हिड़क झिड़क ना हुंदी होवे कोई पुछ ना हुंदी होवे तू किहड़े धर्म नाल संबंध रखदा है तू किहड़े मजहब नाल संबंध रखदा है। इहो जिहा दर केवल ते केवल एक गुरु नानक देव पातशाह महाराज का घर है नहीं तो जिन्हें भी धर्म ने सत्कारयोग साध संगत धर्म मंदिर अंदर उस ही धर्म नाल संबंध रखने वाले जा सकते हैं। दुनिया ते जिन्ने रहबर आए ने किसे नूं सर्ब सांझा होने का माण नहीं मिलिया वो जिस धर्म अंदर जिस कौम अंदर पैदा होया उस कौम का बन के रह गए। केवल तो केवल गुरु नानक देव पातशाह महाराज ऐसे गरीब नूं आए सतगुरु संसार उत्ते आए जिन्हां दे दर उत्ते हर तरह का आदमी झुक सकदा है इत्थे अमीर आवे इत्थे गरीब आवे इत्थे शूद्र आवे इत्थे पंडित आवे इत्थे चंडाल आवे हर एक दे वास्ते दरवाजे खुले हुए ने चारे कुंटां वल्ले चौं दिशावां वल्ले चारे दरवाजे गरीब नूं आज सतगुरु पातशाह महाराज दे सदा खुले हुए ने। अकाल पुरख विचार करदे ने कि जेकर दुनिया दे बेड़े नूं पार लाउण वास्ते कदी देवी देवतियां दी नूं भेजिया ते देवी देवत्या ने दुनिया के लोगों नूं वरते शराब के चक्कर विच पा के डरा लिया फिर अपनी पूजा करवानी शुरू कर दिती जेकर दैंत भेजे दैंत ते दैंता ने अपना बाहुबल वरत के संसार के लोगों नूं डराया ते अपने पिछे ला लिया अपनी पूजा करवानी शुरू कर दिती। जेकर पीर पैगंबर वली औलीए संसार विच भेजे ते संसार की मोहनी माया विच ओह वी पलच गए उन्होंने भी संसार के लोगों को अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। जेकर किसी ने थोड़ा बहुता रब का नाम लिया भी रब की होंद जे जिक्र थोड़ा बड़ा किसी ने किया भी तो साध संगत तो रब विच ते रब की बनाई हुई खलकत आप विचोला बन के बह गया उन्हें खलकत दे संसार के लोगों एक गल आखी और संसार के दुखी लोगों जे सुख चाहते हो रब को लैना तो फिर मैनू खुश कर लवो मेरी पूजा कर लवो जदों मैं खुश हो जावांगा तुहाडी फरियाद अकाल पुरख तक पहुँचा देंगा तो तुहाडे वास्ते अकाल पुरख की दरगाह विचों सुख लिया के तुहानू वंड देंगा अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। हुण कोई इस तरह का रहबर संसार ते भेजना चाहिए जिहड़ा संसार अंदर किरती पैदा करे संसार अंदर धर्मी पैदा करे। मेरे गरीब नूं आए सतगुरु पातशाह महाराज का किड्डा सुंदर उपदेश है काल खाए किस हाथों दे नानक रहा पछाणे से जिहदे दर उत्ते चौं वरना नूं माण मिलदा होवे जिहदे दर उत्ते किते वितकरा ना होवे जिहड़ा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयां दा सांझा पीर बन के संसार दे भुले हुए लोगों नूं सीधे रस्ते उत्ते लाउण वास्ते उपराला करे ते रब विच ते रब दे बनाई हुई खलकत विच विचोला बन के ना बैठे सगो रब दी सीधी पूजा करवाउण करन वाला एक ऐसा पंथ पैदा करे
आखिर मेरे गरीब नूं आए सतगुरु धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज की पवित्र रूह ते उस अकाल पुरख की नज़र पई। सत्कारी योग साध संगत राय भोज की तलवंडी जिदे बारे मैं पहला जिक्र कर चुका है, अज जिसनू गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज के पवित्र नाम के नाल जाणिया जांदा है ननकाणा साहब। ननकाणा साहब की पावन धरती उत्ते राय भोज की तलवंडी विखे माता तृप्ता जी की कुख नू भाग लगा, पिता बाबा मेहता कल्याण दास जी की ग्रह विखे मेरे गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद है जग चानण होया, पापां दी धुंद नू दूर करन वास्ते पापां दे अज्ञानता दे हनेरे नू चुकन वास्ते मेरे गरीब नवाज सतगुरु अकाल पुरख की जोत नानक निरंकार दे रूप अंदर ननकाणा साहब की धरती उत्ते माता तृप्ता जी की कुख नू भाग ला के बाबा मेहता कल्याण दास जी के ग्रह विखे जदों प्रगट होई उस वक्त दियां खुशियां दा माहौल इस तरह बिने कीता जा रहा है। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार, सन 1500 ते 26 दी एक रात सुहानी सी खुशियां दे नगमे गाए उठिया हर एक परानी सी, खुशियां दे नगमे गाए उठिया हर एक परानी सी, धरती दियां कूकां सुन सुन के कुछ तरस कमाया ए जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए, जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए। ओ सन 1500 ते 26 दी एक रात सुहानी सी खुशियां दे नगमे गाए उठिया हर एक परानी सी, खुशियां दे नगमे गाए उठिया हर एक परानी सी, धरती दियां कूकां सुन सुन के कुछ तरस कमाया ए जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए, जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए। ओ लैंदी सी पत गरीबां दी जरवाणे लुट रहे, लैंदी सी पत गरीबां दी जरवाणे लुट रहे सी, जुल्मी बदल जनता ते हर पास्यों टुट रहे सी, सी जुल्मी बदल जनता ते हर पास्यों टुट रहे, खांदे सी हक मसूमां दा किरती कुरलाया ए जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए, जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए। बई अध खिड़िया हुण फुल टाणी तो कोई तोड़ू ना, कोमल कलियां कोमल कलियां गलियां तो फड़ कोई मरोड़ू ना, कोमल कलियां गलियां तो फड़ कोई मरोड़ू ना, ओ महकणगे गुलदस्ते राखे फेरा पाया ए जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए, जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए। ओ काली घटाना रोकूगी सूरज दी लाली नू, काली घटाना रोकूगी सूरज दी लाली नू, सिद्धियां किरणा पैणगियां बुलबुल ते डाली नू, सिद्धियां किरणा पैणगियां बुलबुल ते डाली नू, ना बर्फां जम्मण जुल्म दियां गुलशन ते साया ए जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए, जगत जलंधा तारन लई गुरु नानक आया ए। हुण लुट्टू कोई ना सुहाग नहीं डोली चो लैंदी दा, हुण लुट्टू कोई सुहाग नहीं डोली चो लैंदी दा, ना रंग परिंडे चूसणगे शगना दी मेहंदी दा, ना रंग परिंडे चूसणगे शगना दी मेहंदी दा, हुण वीरा भैण प्यारी दा ना जाऊ कहाया ए
जगत जलंदा तारन लई गुरु नानक आया है। जगत जलंदा तारन लई गुरु नानक आया है। वो कह परदेसी ठगा नू सतनाम जपावेगा, कह परदेसी ठगा नू सतनाम जपावेगा, कौडे जय राक्ष नू सिद्धे राए पावेगा, कौडे जय वर्गे राक्ष नू हुण सिद्धे राहे पावेगा। ओ शिंदे अली पुल वाले ने सच सुनाया है, जगत जलंदा तारन लई गुरु नानक आया है। जगत जलंदा ठारन नू गुरु नानक आया है। सारिया संगतां नू लख लख वधाइयां। इन्ना कुछ कहिंदे होए आप जी पासों खिमा चाहुंदे, विचारां करदे आ, एक नहीं बहुत सारियां त्रुटियां भुल्लां गलतियां होईयां होणगियां। सत्कारयोग सतगुरु जी, सत्कारयोग गुरु की संगत बख्शन योग है, अणजाण बच्चे जाण के माफ़ कर देना। सतगुरु जी का, गुरु की संगत का, प्रबंधक वीरां दा कोटान कोट धन्नवाद करदा होया खिमा चाहुंदा है। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास का माण करदे होए बेअंत गुरसिखां ने माया भेजी है, सतगुरु सारिआं दी हाजरी दर ते प्रवान करन, होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा प्यार दा सबूत ते आशीर्वाद दी दात फतेह दे सिमरन दे नाल बख्शिश करो। गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जग चानन मिट धुंद, जग चानन हुआ 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 मिट धुंद, जग चानन हुआ। सतगुर नानक पर घटिया, सतगुर नानक पर घटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, 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 जग चानन हुआ। सतगुर नानक सतगुर नानक सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तार छपे अंधेर पलोआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तार छपे अंधेर पलोआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया, तार छपे अंधेर पलोआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ। सतगुर नानक पर घटिया, सतगुर नानक सतगुर नानक पर घटिया, सतगुर नानक पर घटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ मिट्टी धुंद, जग चान हुआ मिट्टी धुंद, जग चानन हुआ।
सिंह बुके मेरे गावली पन जाए ना तीर्थ रोवा पन जाए ना सिंह बुके मेरे गावली सिंह बुके मेरे गावली पन जाए ना तीर्थ रोवा मिट जग चानन हुआ जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सो जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हो जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदमते जे को सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदमते जे को सिद्ध आसन सब जगत दे सिद्ध आसन सब नानक आदमते जे को जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ मिट्टी तुंद जग चानन हुआ जग चानन हुआ मिट्टी जग चानन हुआ मिट्टी जग चानन हुआ कर कर अंदर करम सारो होवे कीर्तन सदा बसुआ होवे कीर्तन होवे कीर्तन सदा बसुआ होवे कीर्तन सदा बसुआ कर कर अंदर धर्म सारो होवे कीर्तन सदा बसुआ होवे कीर्तन सदा कर कर अंदर धर्म साल कर कर अंदर कर कर अंदर धर्म साल कर कर होवे कीर्तन सदा विसोआ मिट्टी
जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक सतगुर नानक परगटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, 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 मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। बाबे तारे चार चौक, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी गुरमुख तल विच प्रगट होआ, गुरमुख तल विच, गुरमुख तल विच प्रगट होआ, गुरमुख तल विच पर कल विच प्रगट होआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, 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 मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। वाहिगुरु वाली राय पोए की तलवंडी, अज नाम है मशहूर ननकाणा साहिब। वो धरती जगमगा उठी, दुनिया भागा वाली बन गई, जिन्हें गुरु नू तकिया। आओ शब्द सरवण करिए, सा धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सात संगी गयो मेरी गो भैनों, मेरे वीरों, रल के पढ़े शब्द महसूस करिए कि राय पोए की तलवंडी, जिथे मेरे पातशाह का आगमन दिहाड़ा देसा विदेशों मनाया जा रहा है, जिथे मेरे पातशाह का आगमन होया, उस धरती ते अज भी रौनक लगी हैं। और आप ऐसा महसूस करिए कि आप उत्थे बैठे हैं, आओ सारे मिलके शब्द नू पढ़िए। जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर सतरत पई हरियावली, सतरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर सतरत पई हरियावली, सतरत पई हरियावली। सजंत पाए हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए, जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए, जिन
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਜੰਤ ਪਾਏ ਹਰਿਆ ਬੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬੱਲੀ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ 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 ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸਤਰਤ ਪਹੀ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਸਤਰਤ ਪਹੀ ਹਰਿਆ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੋਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਤਨ 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 ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੋਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੋਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਤਨ 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 ਸੋ ਜਨਨੀ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਜੰਤ ਪਾਏ ਹਰਿਆ ਬੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਾਏ ਹਰਿਆ ਬੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਸਤਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਬਲੀ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ
दया कर जन नानक तोवै पाए जन नानक तो जन नानक तोवै पाए जन नानक सतर तपाई हरियावली सतर तपाई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठाया जिथे मेरा सतगुर बैठाया जिथे मेरा सतगुर सतगुर बैठाया जिथे मेरा सतगुर बैठाया है जिथे मेरा सतगुर सतर तपाई हरियावली सतर तपाई हरियावली 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 वाहे गुरु। ऐसे महान गुरु का आगमन होया जिन्हें दुखियां दे दर्द नू अपनी झोली विच पाया दुनिया नू सुख दिता। मैं पंछी चात थोड़ी जी मारा तो समाप्ति वाले पासे आने लगे हाँ। थोड़ी जी एकाग्रता रखियो जी ये रब्बी रूंवा बच्चे थोड़ा जा कंट्रोल हो जाए ना थोड़ा जा तो मैं थोड़ी जी विचार करनी है कोई पाँच चार मिनट दी बैठे हैं शब्द तुसी दो सरवण कर ले थोड़ी गल जेहन विच आ जाए। गुरपुर मनाया है भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि कुरबाणी तिना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं ऐसे महान सुख गुरसिखा तो बलहार जाने जी अपने गुरुआ के पुरब दिहाड़े मनाते हैं। तलवंडी भाग लगा अरबी जोत आई है प्रगटी नानक चंद जगत पायो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। पिता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख नू भाग लगा अमृत वेले गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश होया। दाई दौलता ने तकिया तक के निहाल हुई मेहता कालू ने कुछ रुपये ते मिठा देने की कोशिश कहती कहती कालू रज गई लोड़ नहीं कहिंदा पहला शर्त लाउंदी सी कहती लोड़ नहीं। बहुत शिश जन्मे मम घर माही इन्हां हत्थां दे नाल बड़े बच्चों नूं जन्म दिता इन्हां हत्थां दे नाल बड़े बच्चों नूं खड़ाया। बहुत शिश जन्मे मम घर माही इह अचरज कब देखियो नाही इहो जिहा कौतक वरत्या कदी नहीं वेख्या। बिगस बिगस कर फूल मिले हैं ते उन किन्ने बचन भले हैं बोलियां फरकियां ने इदा लगता है कि बड़े सोहने ते बड़े सियाने बचन किए ने दाई ने अनुभव कर लिया। मैं कई बार कहना कि दाई अनुभव करके सिखा ने किया। मैं कई बार कहना कि दाई दौलत धन करके तो वो गरीब सी पर गुरु नानक नू तकदिया सार गुरु नानक का प्रकाश हुंदा है ते दाई नू ज्ञान हो जाता है। दाई कहती मैं रज गई मेरी जन्मा जन्मा की भुख कटी गई। दौलत दाई ने जिहड़े लफज आखे मैं कहना नाल नाल रिजल्ट मिले कहन लगी बच्चे बड़े बड़े वेखे ये रब की रूह है कालू तेरे घर रब आया तेरे घर रब की जोत आई है मेरी जन्मा जन्मा की भुख मिट गई। दाई दौलत जिहड़ी धन भी मंगती है कपड़े भी मंगती है तो मिठा भी मंगती है वह कहती लोड़ नहीं रह गई।
भैन नानकी ने गुरु नानक नूं तकिया ते ओह भी धन होई कहण लगी परमेश्वर दा रूप है उन्हें रब करके पूजिया। राय बलार ने गुरु नानक नूं तकिया ते उन्हें कहा कालू तेरे वास्ते तेरा पुत्र होवेगा कि मेरिया नज़रां नाल वेख खुदा आप आया। इनू कदी भी कुछ ना यह गल आखी जे कुछ आखेगा ना इंज करी जे तेनू घाटा पै जाए तो मैनू दस दे भी मैं पूरा कर देवगा पर इनू रब्बी नूर नू कुछ ना आखी नानक नू ना कुछ भी आखी। एदा करके मेरा शहर वसदा कहिंदा मैं शहर नहीं कहिंदा एदा करके संसार वसदा। राय बुलार की नज़र है मुसलमान की। ऐसे महान गुरु नू समझन वाले गुरु व्यापार भी करता गुरु नौकरी भी करता गुरु खेती भी करता कि सिखा ने की करना। गुरु नू पिता ने 20 रुपये दिते है गुरु ने भुख्या नू खवाया असी भुखे मारते हैं बस फर्क इना ही है। गुरु नू नौकरी ते लाया गुरु जी दे जीजा भाइया जय राम ने सुल्तानपुर लोधी। गुरु ने 13 दे अंकड़े ते आके आख्या 13 13 13 कि मेरा सिख जड़ा है भी पूरा ही तुलेगा। शिकायतां होईयां कि गुरु ने मोदी खाना लुटा दिता है ते जदों चेक किया तो सारा कुछ पूरा सी वधिया घटिया कुछ भी नहीं। गुरु ने सिख नूं तोलना सिखाया सिखा घटना तोली अहीं घट तोलदे हां। क्लीयर गल्लां नाल साफ मापदंड साडा साडी गुरु नाल बणदे क्यों नहीं। गुरु ने खेती की करतारपुर साहब विखे पिछली उम्रे मरदाने ने वजाई रबाब गुरु नानक ने शब्द पा के गाया दुनिया नू बदल नहीं लब्बा। मरदाने ने गुरु नू तकिया मरदाना गुरु का सिख हो गया सारी जिंदगी गुरु दे लेखे ला दिती सारी जिंदगी रबाब जड़ी बाबे नानक नाल वजी। मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है बाणी गुरु नानक नहीं आती है रबाब मरदाना बजाउंदा। गुरु नानक ने कीर्तन किया घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसूआ। खेती गुरु नानक ने की दुनिया नू खेती करनी सिखाई सिखा नू भी खेती किस तरह करनी है। असी बन्ने बन्ने तो लड़ते हैं भरा भरा का कातल बनिया बन्ने बन्ने तो बहुत ही ज़्यादा जमीन तो नहीं गुआंढी गुआंढी का दुश्मन बनिया अद्धे अद्धे मरले जगह तो। गुरु नानक ने सिख नूं की सिखाया सी गुरु नानक ने धर्म की खेती करनी सिखाई। गुरु नानक पातशाह जा रहे हैं दो बोल पे है सामने संकेत विच मैं बेनती कर लगा दो बोल पे ना एक भरा घर गया तो एक उत्थे बैठा एक बोल चो एक चुक दिया तो दूजे चो पा रहा। तो आम तौर पर होंगे भी एक घर गया तो दूजा चोरी कर रहा आम तौर पर यह होंगे ना भी वह इतने नहीं चोरी कर लो पर गुरु नानक चोरों की हामी नहीं भरता। गुरु नानक चोर नू चोर कहिंदा कंडे नू कंडा कहिंदा फुल नू फुल कहिंदा साडे च वक्री गल असी चोरां नू साध कहने साधां नू चोर कहने बस साडे च ते गुरु नानक च ही फर्क है। ये विचार आवेगी संखेप विच पुछया क्यों गुरमुखा ये की हो रहा कहिंदा भरा गरीब है भरा दा खर्चा बड़ा बराबर बराबर दाने कर दिते ने। मैं कहना भरा दा गुजारा वधिया चली जे मैं सामने करदा ना भरा ने मनना नहीं सी ये लफ्ज कह के अगे चला गए वापस आए। एक भरा जड़ा दाने दूसरे बोल में पा रहा सी वो जा चुका सी ते दूसरा आ चुका सी अपने चुक के दूजे च पा रहा सी। बाबे ने फिर पूछा ये की गुरपुरब मना रहे हैं ख्याल करना पहला एक नू तकिया हुण वापस आउंदे दूजे नू तकिया कहिंदा ये ठीक है मेरे भरा दे घर औलाद ते नहीं है पर उहदे घर आवाजाही बड़ी रहिंदी है उहदा खर्चा बड़ा है
ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਏ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖ ਹੈ ਭਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਏ ਸਿੱਖੀ, ਆਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਖੇਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਢੇਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜਾ ਹੀ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ। ਜਪ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੈਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰਿਆ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੂਮੀਆਂ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਭੂਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀਓ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਮਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਫੜੋ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਖਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵਾਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਘੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਵਸਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੋਕੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਅੱਛੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਗਰਜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਦਹਾੜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰਤ ਰੋਵਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰਤ ਰੋਵਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਰਜ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕਬੀਲਾ 19 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਗ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੱਤਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਟ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲਕ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਫਰੇਬ ਹੈ ਠੱਗੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਗੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਪਾਪੀ ਡੁੱਬ ਜਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਪਾਪੀ ਡੁੱਬ ਜਾਹੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਹਮ ਸਗਲ ਤਰਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਹਮ ਸਗਲ ਤਰਾਹੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਆਣ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਰਿਓ ਚਾਹੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ
बाबे कीती सिद्ध गोष्ट शब्द शात सिद्धी विच आई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, पहला गोष्ट करते ने फिर बचन बोलते ने शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरी एडी कमाई है। कह लगे वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। सिद्धा ने गुरु नानक के चरणों ते मत्था टेक दिता कि इन्नी वड्डी तेरी कमाई, एडी तगड़ी तेरी घालना, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। ऐसे महान गुरु का आगमन दिहाड़ा आप मना रहे हैं। सारयां नूं बहुत बहुत वधाइयां। ऐतवार नूं भी विचारा करांगे। आओ सारे मिल के हुण आपां समाप्ति वाले पासे वधीए और सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन असीं गुरु नानक दे सच्चारे सिख बणीए। सानू सच दे सहारे जीना आ जावे। साडे जीवन विच अमृत वेला ते अमृतमई बाणी दा वास होवे। साढ़े जीवन च रस बने, असी माण कर सकीए असी गुरु नानक दे सिख हाँ। असी अज कहने जी सज्जन वर्गे नूं गुरु नानक ने तार दिता। सज्जन तां तरिया सज्जन ने गुरु नानक की गल मनी। कौडे नूं गुरु नानक ने तार दिता। कौडा राक्षस तां सिख बनिया उन्हें गुरु नानक की गल मनी। वली कंधारी नूं गुरु नानक ने तार दिता। वली कंधारी ने गुरु नानक नाल बचन किया और गुरु नानक का सिख बनिया। प्यारे मलक भागो वर्गे गुरु नानक ने तार दिते। वह तरे उन्होंने बचन किया कि गुरु नानक पातशाह जिंदगी बड़े गुनाह किए हैं, बड़े गुनाह किए ने, बड़े पाप किए ने, पर हुण नहीं करांगे। बस गल यही सी हुण नहीं करांगे तो असीं करदे आ। असीं कहने कि बाबा आपां तैनूं कह जाणा नहीं करांगे, आपां कसर कोई नहीं छड़नी। बस इन्ना कु फर्क आपां नाल बाबे नानक विच ते साडे जने का फर्क है। गुरु नानक अपनी जान जोखम विच पा लैंदा दुनिया का भला करन वास्ते। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरै तित्तै लहु उबार। लत्तां खांदा गुरु साडे वास्ते लत्तां। जीवन काजी गुरु नानक पातशाह दी लत्त मारदा। लत्त भी नहीं मारदा फिर घसीटदा, फिर काफ राखदा, माड़े लफज बोलदा। ते गुरु नानक पातशाह जदों शब्द की शक्ति वरतौंदे आ ते उहो ही हाथ जोड़ के खां खड़े हो जांदे ने। पुछण गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई वड्डा सांग वरताया, लख ना सकै कुदरत कोई। पुछण फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, ते उत्ते हुण बाबा नानक साडे वर्गे होंदे ने कहना ही नहीं इत्थे मुसलमान ज़्यादा लै भी मुसलमान सारे चंगे है, हिंदू ज़्यादा होंदे सारे चंगे नहीं, साडे वर्गा नहीं ना बाबा नानक। बाबा नानक कहिंदा जदों कहिंदे ना पुछण फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, भी उह चंगे है कि जां उह चंगे है। बाबा नानक कहिंदा बाबा के हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई, दोनों ही रोना ही। जे माड़े कर्म हिंदू करता है तो उहदे वास्ते भी रोना ही, जे मुसलमान करता तो उहदे वास्ते ही रोना ही। तो याद रखो जे सिख करते तो फिर सिखां वास्ते रोना ही, ये साढ़े ते लागू है। जिद्दन गुरु नानक का सिद्धांत सी कंडे नूं कंडा ते फुल नूं फुल, तो साडा काम ही हो कि कंडे नूं फुल ते फुल नूं कंडा, ते गुरु नानक ना साडे कितों बणावे। बस इन्ना का फर्क है। उदर समझ लो जिन्हें गुरु मनाया रज रज सही खाहें। जिदन गुरु नानक के सिद्धांत नूं असीं अपना लिया, बस फर्क इन्ना क है। गुरु कहिंदा कि मेरी जान चला जाए सिद्धांत बच जाए, असीं कहने कि साडी जान बचे गुरु का सिद्धांत कख ना रहे। बस फर्क इन्ना की है। गुरु कृपा करे गुरसिखा मन वधाइया जिन्हें मेरा सतगुर डिठा आराम राजे। गुरु रहमत करे गुरु पातशाह सारिया परिवारों ते असीसा बख्शा। गुरसिखी जीवन सारे परिवारों बाणी की दात बख्शे कर, बाणी की दात बख्शे कर अपने चरणों ना लाउण, और गुरु वर्गा जीवन सानू जीना आ जाए। तो मेरा ख्याल जिंदगी हार नहीं है, हारदा नहीं, गुरु नानक नहीं हारिया।
फरौन वाले बड़े से बादशाह नूं देख के डर सकते गुरु नानक पातशाह कहते नहीं बादशाह ने बंद भी किया चक्की खाने फिर प्रभावित होकर फिर चरणा ते भी डिगया फिर शराब का होद भरिया होया गुरु नानक दे अगे कटोरा भर के रखिया भी उत्थे मेरे पातशाह ने कहा सी बाबर ये की है कहिंदा शराब महाराज कहिंदे कादे वास्ते कहिंदे रात नूं पी लईए तां रात वधिया ते दिन नूं पी लईए दिन वधिया महाराज कहिंदे फिर की बार बार पीने पैंदी आ हाँ कहिंदा पीने पैंदी आ कहिंदे पीना मैं भी आ ते पीना तूं भी आ तेरे पीण विच ते मेरे पीण च बस इन्ना क फर्क है कहिंदा किहड़ा कहिंदा पोषित भंग अफीम मद उत्तर जात प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात मैं भी पीता होया राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और जपजी साहब का पाठ पढ़ के देखना जिला कहना ना भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया वो किहड़ा सी एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुरप्रसाद ये बाणी गुरु नानक दी साढ़े कोल मेरे पातशाह रहमत करन सारन बहुत बहुत मुबारक वधाइया आओ समाप्ति करिए ना सब का पाठ करके और भुला चुकों की खिमा करनी बहुत भुला हो गई हो पातशाह रहमत करन दरबार सच्चा तुध तख्त शिरशाह पातशाह निर्जल चोर छत थोड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने कलज करतबा जिया अंदर जीव सबश जान ला सबश तेरे बस तेरा कर तेरे कर आनंद वधाई तुध कर माण माता तेरी अपने आप जा सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तू दया गे दिनवत तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु पौड़ी वड्डी वड्डा पार राम कली तेरे मन आनंद पया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई सुख टल गुर एहन से दर्शन परसिए जन्म मरण हुए सिबत नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सची मल जन्म जन्म दी सजन सचा सिर शाह दे जिस पास बैठिया सबना दा जिस पास बैठिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सोहे महला पंजवा करम धर्म पखंड जो दिस तिन जम जागाती लूटै
निर्वाण कीर्तन गावु कर्तिका, निमक सिमरते जित छूटे, कर्म धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो कर्तिका, निमक सिमरत जित छूटे, संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए रहा, कोट तीर्थ मज्जन इशनाना, इस कल में मैल परिजे, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे, वेद कतीब सिमरत सब शास्त, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई, खतरी ब्राह्मण शूद वैश, उपदेश चौवरना को सांझा, गुरमुख नाम जपै उदरै, सो कल में घट घट नानक माजा, खतरी ब्राह्मण शूद वैश, उपदेश चौवर ना को सांझा, गुरमुख नाम जपै उदरै, सो कल में घट घटी नानक माजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।